हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोम साहू और मैं आप सभी को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड कैसे अप्लाई करें, यानी कि इसका ये जो फॉर्म मिलता है आपको इसको कैसे भरें। और एक और अच्छी बात, आपको डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म को डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आप क्लिक करते ही वहाँ पर जाएंगे और डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिए और इस फॉर्म को सिंपली डाउनलोड कर लीजिए और आप चाहें तो बैंक से भी इस फॉर्म को ले सकते हैं। अब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा कि ये फॉर्म को कैसे भरना है, तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। तो दोस्तों, ये फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का ये एटीएम कार्ड फॉर्म है और सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांडिंग ये देखने को मिल जा रही है। तो दोस्तों, आपको सबसे ऊपर ही यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है कि आप अपने कार्ड के ऊपर क्या नाम रखना चाहते हैं, यानी कि आप अपना नाम, जैसे कि मेरा नाम शुभम साहू है तो मैं यहाँ पे शुभम लिखूंगा और एक कॉलम छोड़ के साहू लिखूंगा। अगर मैं चाहूँ कि शुभम ही लिखा रहे तो शुभम लिख दूंगा, बस तो वही चीज कार्ड पे छप के आएगा। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा आपको ऑप्शन जो मिलता है कि कार्ड नंबर यहाँ पे डालिए, तो ये टू बी फिल्ड बाय बैंक, यानी कि बैंक द्वारा भरा जाएगा, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे अगला आपको ऑप्शन मिलता है नेम ऑफ द होल्डर, यानी कि जिसके नाम पे ये खाता है उसका यहाँ पे नेम डालना है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया, जैसे मिस्टर, मिसेस और मिस, तो यहाँ पे तीनों में जो भी आपका आता है उस पर सिंपली टिक लगा दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले सरनेम डालना है। सरनेम मतलब होता है आपका लास्ट नेम, यानी कि जैसे मेरा नाम शुभम साहू है तो मेरे में साहू सरनेम मेरा है। उसके बाद प्रथम नेम यानी फर्स्ट नेम जो होता है, जैसे मेरा नाम शुभम है। और उसके बाद जो ये मिडिल नेम होता है, यानी कि जैसे कि आप अपने नाम के बीच में कोई भी कुमार या विक्रम या कुछ भी लगाते हैं तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले यहाँ पे उसी हिसाब से डालिएगा, जैसे पहले डेट डालिएगा, फिर मंथ डालिएगा, उसके बाद ईयर डालिएगा। जैसे आपकी 1 तारीख का है तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, और आप पहला महीना यानी जनवरी है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और फिर 1 यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो जो भी आपका है, जैसे कि 1991 है तो यहाँ पे 1991 पूरा लिख देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका सबसे मेन आ जाता है आपका एड्रेस, तो यहाँ पे सिंपली आपको एड्रेस लिखने के लिए 3 लाइन मिल जाती हैं, तो इसमें पूरा एड्रेस लिख दीजिए, जो भी 4 चीज़ें हैं आपका, स्टेट क्या है, गांव क्या है, विलेज, जो भी चीज़ें हैं सब यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है भैया अपना पिन नंबर डालिए, यानी कि जो आपका पोस्टल कोड होता है वो यहाँ पे सिंपली अपना पोस्टल कोड डाल दीजिए, पिन नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है कि अपना जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो डालिए, यानी कि पहला तो यहाँ पे ये जो आ जाता है ऑफिस वाला, अगर आप ऑफिस वाला नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं और अपने घर का भी दे सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूँ तो अपना मोबाइल नंबर है जो यहाँ पे लिख दीजिए और घर का नंबर भी लिख सकते हैं, बट ये मोबाइल नंबर वाला ज़रूर लिखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालनी है, तो सबसे मेन बात कि आपको पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर में भरना है, यानी कि स्मॉल में कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करना, सारे कैपिटल में होने चाहिए। और ईमेल भी उसी तरह एक एक कॉलम में एक अक्षर लिखिए, तो ऐसे ही नॉर्मली आपको कैपिटल लेटर में ईमेल आईडी भी लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपकी आती है शाखा ब्रांच, यानी कि आपका बैंक किस ब्रांच में है, तो यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख दीजिए, जो भी आपका बैंक जिस भी ब्रांच में है। उसके बाद यहाँ पे खाते का प्रकार, यानी आपका टाइप कौन सा है, नीचे यहाँ पे मेंशन देख लिए किया गया है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ओटी, तो आपका सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे सेविंग लिख दीजिए, और करंट अकाउंट है तो करंट लिख दीजिए, और ओडी अकाउंट है तो ओडी लिख दीजिए, और सिंपली आप एसबी भी लिख सकते हैं, सीडी भी लिख सकते हैं, ओडी भी लिख सकते हैं, तो जो भी है यहाँ पे सिंपली आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर आपकी पासबुक पे आपको मिल ही जाएगा, वो सिंपली यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपको ऑप्शन कि आप यहाँ पे खाते की तारीख, यानी कि जिस दिन आपका अकाउंट ओपन हुआ है वो यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है, तो ये भी आपके पासबुक पे मिल जाएगा, उस पर सिंपली ओपन करके देखिए और सिंपली यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस देखने को मिल रही हैं, भाषाएँ, जैसे बंगाली है, गुजराती है, और यहाँ पे मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, सब यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस तो देखने को मिल रही हैं। इसका क्या
मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप ATM मशीन पे जाते होंगे तो वहाँ पे ATM कार्ड डालते होंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन ही शो होता है। बट अगर आप कोई अदर लैंग्वेज भी जानते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दी गई हैं, कि वो भी शो हों जिससे कि आप उसी लैंग्वेज में अपना पैसा निकाल पाएँ ATM से, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पे लैंग्वेज पे जो भी आपको चाहिए, आपको अगर बंगाली भी ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए, मलयालम चाहिए तो उस पर भी टिक लगा दीजिए, मराठी चाहिए तो उस पर भी लगा दीजिए, जो भी आपकी अदर लैंग्वेज हो हिंदी इंग्लिश के अलावा उसको लगा सकते हैं। नहीं तो सिंपली इसको कोई भी कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सारी घोषणाएँ जो भी हैं भैया यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा पढ़ना चाहें तो। और उसी के नीचे आपको यहाँ पे सबसे पहले डेट देखने को मिल जाता है। डेट में आपको वही डेट डालनी है जिस दिन आप इस फॉर्म को भर रहे हैं और बैंक में जिस दिन सबमिट करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर आपको यहाँ पे डाल देना है। अंगूठा लगाते हैं तो भाई अंगूठा, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है केवल बैंक के प्रयोग के लिए है, फॉर बैंक यूज, यानी इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको बता देना चाहूँगा, शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो, तो देखिए अगर आप ATM कार्ड यूज़ करते हैं तो इसके सालाना यानी ईयरली एक साल में कुछ चार्जेस पड़ते हैं, 250-300 या जो भी 150 ऐसे कुछ करके हर एक बैंक के रहते हैं। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कितना चार्ज साल का पड़ता है। तो चाहे कोई भी बैंक हो, सभी में अगर ATM कार्ड आप यूज़ करते हैं तो सालाना कुछ रुपए कटते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम इतना यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत यार कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। बट अगर आपको लगता है कि फ्री है, आपको इसके एक भी रुपए नहीं लगेंगे, लेकिन इसके साल में एक एकदम फिक्स अमाउंट आपका चार्ज करता है बैंक, तो ये चीज़ आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि बैंक ऑफ इंडिया का कितने रुपए चार्ज करता है सालाना। दोस्तों वैसे तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बता दी हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सुझाव नीचे जाके कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है इससे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाऊँ तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।